टू द एस्पिरेंट्स जो IFS ज्वाइन करना चाहते हैं, एक जो समस्या या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बोलें जो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस समय थी, वो ये थी कि पता ही नहीं था कि फॉरेस्ट सर्विस में काम क्या होता है या सर्विस कैसी होती है। सो थैंक गॉड आई ज्वाइंड इट। अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको काम के बारे में जो जानने की चीज़ है वो ये है कि ओवरऑल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या काम है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम अक्रॉस द कंट्री आज के डेट में बहुत डाइवर्स हो गया है। ब्रॉड अगर कोर इश्यूज़ आप देखें तो एक तो सबसे पहले लैंड को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप टेरिटोरियल एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे आपको ग्रीन कवर इंक्रीज़ करना है। आज के डेट में ओवरऑल जन जागृति काफ़ी बढ़ी है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। कुछ जैसे अगर आप अर्बन एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे आप कुछ इनोवेटिव थीम्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, मे बी ट्री पार्क्स कैसे बना सकते हैं, या जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं काम में आपको अनुभव आता जाता है, देन यू स्टार्ट गिविंग योर इनपुट्स फॉर द पॉलिसी। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि यू कीप एन आई ओपन कि दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पे हो रही हैं और क्या हो रही हैं, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपने लैंडस्केप में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम काम में ये भी होता है कि हम एक्सपर्ट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। सो जैसे साइंटिस्ट्स हो गए या एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स, तो उनसे हमें क्या होता है कि अपने काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एकेडमिक इनपुट मिलता है। और एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एजुकेट करते रहें। तो ये चीज़ें हैं आज के डेट में। टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी। थ्रू टेक्नोलॉजी वी कैन मॉनिटर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन गैदर अ लॉट ऑफ डेटा, एंड वी कैन इवन प्रेडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू हैव टू कीप एन आई ओपन एंड योर ईयर्स ओपन फॉर सच थिंग्स एज वेल। सो अगर फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव में देखें तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थ्रेट। ये एक ऐसा थ्रेट है जो हमने पहले हमारे फोर फादर्स ने भी इतना ज़्यादा नहीं देखा था। सो इस परस्पेक्टिव से पूरा का पूरा मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हर चीज़ को एक नए परस्पेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। इट्स एन इवॉल्विंग फील्ड, और ड्यू टू दिस हमें बहुत ज़्यादा अपने आइज़ एंड ईयर्स को ओपन रखने की ज़रूरत है, और साइमल्टेनियसली हमें ये ज़रूरत है कि वी कीप ऑन ट्राइंग टू लुक आउट फॉर द इनोवेटिव मेजर्स which have been suggested and which are being practiced by the indigenous communities at many places to mitigate the impacts of climate change. तो अगर आप बड़े perspective में देखेंगे तो यहाँ पर forest service का role बहुत ज़्यादा important हो जाता है। अगर कोई aspirant इस video को देख रहे हैं तो overall जो forest service के बारे में बातें बताईं, either territorial divisions में या wildlife, लाइफ ये काम होता है। स्कोप ऑफ इनोवेशन बहुत ज़्यादा है ओवरऑल इन अ स्टेट लाइक कर्नाटका। हमारे सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर इन अ प्रिपरेशन फेज़, तो खाली इस टाइम पे अपने को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस देखनी है तो ठीक है, बट अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करो।